दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, न्यू ईयर की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल है, नए साल के साथ नया नया कुछ आपके लिए कंटेंट का सोचा है, तो वही परमिशन, वही आपसे कुछ बातचीत करने के लिए मैं आ चाहे हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड। तीन चार क्वेश्चन में ऐसे पूछे गए थे, एक था कि फ्रेशर जो रहता है वो जॉब करे या इंटर्नशिप, ये क्वेश्चन था। न्यू ईयर आ गया है, ग्रोथ कैसी की जाए, सैलरी कैसे बढ़ाएं या दूसरी कंपनी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, साइड सुपरवाइजर से अच्छी पोस्ट पे कैसे जाएं, और फिर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि जो नया कंटेंट मैं लाने वाला हूं उस पे आपके राय चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए कि मुझे लाना चाहिए या ना लाना चाहिए। सबसे पहले उसी चीज पे हम बात करते हैं कि नया कंटेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। एक तो मेरा ये विजिट का है, जो भी हमारे इंडिया में सुपरस्ट्रक्चर्स बने हैं, जैसे आर्च ब्रिज है जम्मू कश्मीर का, पहले मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि मैं खुद अभी समय जम्मू में हूं, तो मैं सोच रहा हूं वो चीजें जो नए नए स्ट्रक्चर हैं उन पे विजिट्स रहेगी, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे लाइव, वहां पे मैं रहूंगा, क्या उन पे वीडियोस आनी चाहिए, आपके कमेंट की वेट करूंगा कि कमेंट क्या रहते हैं। जो भी ब्रिजेज हैं, आर्च ब्रिज हो गया, फिर हमारा एक दो केबल स्टेट ब्रिज है, जो भी कंस्ट्रक्शन मतलब सुपर स्ट्रक्चर इन द सेंस, जो भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मतलब एक अजूबा है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ अलग ही करते हैं, तो उन्हीं पे रिलेटेड रहेंगे, वो एक वो मैंने सोचा है। दूसरा आपके लिए है जो रोड की, हाईवे रोड की लाइव वीडियोस आप बोलते थे कि सर कुछ लाइए इनके रिलेटेड, वो मैं सोच रहा हूँ वो लाऊंगा आपके लिए, और आपकी जो राय हो अगर आप चाहते हो, जैसे जेई का सिलेबस रहता है मतलब जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल नहीं। अगर टेक्निकल आप कहोगे कि सर टेक्निकल शुरू करिए, क्योंकि जेके एसएसबी के भी काफी एग्जाम आने वाले हैं जेई के, उनकी भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हो वो भी ले आऊंगा, तो आप पे बस आप पे है। तो अभी हम चलते हैं मेन आज मुद्दे पे कि फ्रेशर और जॉब, फ्रेश इंजीनियर को जॉब या इंटर्नशिप किस में जाना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं कहूंगा जो फ्रेशर है उसको फील्ड का नॉलेज तो है नहीं। जब मैं एज ए फ्रेशर साइट पे गया, जैसे मेरी डिग्री हुई, मैंने 6 महीने तक, मैंने 6 मंथ तक प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट एग्जाम की, और किस कारण का जो मेरे को चाहिए था वो मिला नहीं गवर्नमेंट, मेरे को स्टेट का था कि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो मैं स्टेट जेई की करूंगा, तो उस दौरान यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जॉब्स नहीं आई उतनी, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। मैंने गुजरात में ज्वाइन किया कंपनी में, एक बिल्डर कंपनी थी, धीरे धीरे एमएनसी कंपनी में भी मैं गया हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है, जब आप कंपनी के बारे में सोच रहे हो किस कंपनी में जाना है, तो एज ए इंटर्न आप जाओ, ऐसे मतलब एज ए जॉब मत लो, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए होता है, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज हमें तब नहीं होता है जब हमें फील्ड पे पहुंचते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टडी है अभी 2023 लगने वाला, ठीक है, 2023 में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू 2022 या 21, क्योंकि पहले कोरोना का टाइम था, फिर कोरोना का टाइम किया, कुछ कंपनी बंद हो चुकी थी, अभी उन्होंने नए नए जो प्रोजेक्ट खुलेंगे 2023 में, बड़े प्रोजेक्ट खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाली है, जब इलेक्शन आने वाली होती है बहुत नए प्रोजेक्ट खुलते हैं, तो सिविल इंजीनियर की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जॉब पाने के। तो अभी 2023 आ रहा है तो प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, तो एज ए इंटर्न एज ए फ्रेशर आपको इंटर्नशिप के दौरान कोई भी जॉब मिलती है तो आपको ले लेनी चाहिए। स्टार्टिंग में सैलरी की इतनी फिक्र नहीं करनी है, एज ए फ्रेशर जो सैलरी मिलती है, अगर मैं अपनी सैलरी बताऊं, जब मैं बिल्डर कंपनी में गया तो मेरी 18,000 सैलरी थी, साथ में अकोमोडेशन थी उसके साथ, मतलब रहना खाना उन्हीं के साथ था, और हॉलीडेज का भी हॉलीडेज अच्छी थी, मतलब मेरे को एज ए फ्रेशर काफी अच्छी कंपनी मिल गई है। एक चीज मैं मस्ट कहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज गुजरात की हैं, जो गुजरात की काफी एमएनसी कंपनीज में है, मैं पटेल में काम किया हूँ, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो गुजरात की कंपनीज मेरे को अकोमोडेशन के मामले में सबसे अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू उधर। तो अगर आप सोचते हो कि इस कंपनी में जाना, तो गुजरात की कंपनी में जरूर एक बार अप्लाई करके देखना, क्योंकि काफी अच्छी फैसिलिटीज, काफी अच्छी सैलरी वहां देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कैसे आपको करियर स्टार्ट करना है, तो करियर आपको बिल्डर से स्टार्ट करना है, अगर एमएनसी कंपनी मिल जाती है कोई भी, क्योंकि एलएनटी है, रिलायंस है, शपोजी फुलंजी है, लॉयड है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर छोटी कंपनी बिल्डर से स्टार्ट करोगे आप सीखते हैं काफी ज्यादा अच्छा हो, वहां पे हर स्किल सिखाई जाती है, छोटी से बड़ी स्किल सिखाई जाती है। तो मैं कहूंगा अगर जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन था कि आप हमें एज ए जॉब करना है स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप या कुछ करना है, तो आप एज ए इंटर्न जाओ, अगर बड़ी कंपनी मिलती है एज ए जॉब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है न्यू ईयर आ गया, ग्रोथ कैसे करें। देखो ग्रोथ कंपनी में तभी होती है जब आपके पास स्किल हो,
अगर आप कंपनी में एज ए देखो उसमें छोटे वर्क पे स्टार्ट करते रहोगे, लगे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी आपको यूज करती रहेगी तब तक, क्योंकि सैलरी थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहेगी 5,000-10,000। लेकिन अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, यहाँ तो आपको कंपनी स्विच करनी पड़ेगी, 3 से 4 साल एक्सपीरियंस जैसे ही आपका होता है तब आप कंपनी स्विच करते हो, तो सैलरी इंक्रीज आपकी करती रहती है। कंपनी देखनी, अच्छी कंपनी देखनी, क्योंकि एक कंपनी में रह के भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखनी है तो आपको स्विच करते रहना होगा। तो स्विच आप करिए, आपकी ग्रोथ दिखेगी। दूसरा, आप अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हर कंस्ट्रक्शन में, सॉफ्टवेयर्स की हर जगह डिमांड पड़ती है। तो मैं कहूंगा अगर सॉफ्टवेयर साथ साथ में सीखते रहो, क्योंकि आजकल ऑप्शंस काफी ज्यादा हो गए। ऑप्शन इन द सेंस, ऑप्शन ये हो गया कि आप ऑटो मतलब यहाँ पे जॉब करके आप रूम में आते हो, एक घंटा आप अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उसमें आप सीख सकते हो। पहले ही नहीं ऑप्शन थे कि ऑनलाइन कोर्सेज का इतना ज्यादा नहीं था, ना यूट्यूब था इतना ज्यादा, ना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से कि जो ऑनलाइन आपको सिखा पाते थे। तो अभी मौका हो गया कि ऑनलाइन आप जॉब के साथ साथ कोई सॉफ्टवेयर सीखिए, अच्छी इंस्टीट्यूट से कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, काफी आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए रिव्यूज वगैरह, तो उठा के वो साथ में सॉफ्टवेयर सीखते रहिए। साथ में नए नए स्किल्स आपको यूट्यूब से मिलती रहेंगी, या ऐसे भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सिखा रहे हैं वो सीखते रहिए, तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी दूसरा एक ग्रोथ का सही ऑप्शन होता है कि आपको अपना करियर चूज करना पड़ेगा, जाना किसमें। जैसे हम एज ए स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन या साइट इंजीनियर जाते हैं तो हमारा कुछ गोल नहीं होता है कि करना क्या, हमें एक्चुअली 90% लोगों को सिविल इंजीनियर को पता ही नहीं है कि करना क्या है, होता क्या है फील्ड पे। तो जब आप घुस जाते हो आपको आइडिया लग जाता है आपको किस फील्ड में जाना, आपको प्लानिंग बिल्डिंग लैंड सर्वेइंग या किसी में भी जाना, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्किल चूज करिए, उसी के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढिए। जैसे एक बार आप उसमें घुस गए, एक स्किल पे लगा लो प्लानिंग में घुस गए, तो प्लानिंग का सीखते सीखते आप आगे बढ़ जाते हो। और एज ए साइट इंजीनियर अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है तो आपको प्लानिंग और बिल्डिंग दोनों आना चाहिए। तो पॉसिबल करिए कि ऑफिस जॉब अगर आपको मिलती है तो आप जल्दी ग्रोथ कर लेते हो और जल्दी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइट इंजीनियर से सुपरवाइजर से प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक कैसे जाया जाए। तो उसका एक ही रास्ता, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, रास्ता ये है कि आपके पास स्किल होने चाहिए तो आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो, जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। तो 2023 पे न्यू ईयर पे मैं एक ही चीज कहूंगा, इस बार क्या करना है आपको, जिनको जिनके पास जॉब नहीं है ना उनको ये करना है कि स्किल गेन करो। जॉब्स काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें ऑप्शन काफी ज्यादा है, लेकिन उतने ही बच्चे उनको मिल जाते हैं। जब उतने बच्चे उनको मिल जाते हैं तो वो आपको ऑप्शन क्यों बनाएंगे। तो आपको रिज्यूम पे उतने स्किल रखने, और स्किल आपको देखो इंटर्नशाला में, हर वीडियो में बोलता हूँ, इंटर्नशाला एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफी इंटर्नशिप मिल जाएगी। AICT की वेबसाइट है, वहां पे आपको इंटर्नशिप मिल जाएंगी। फिर मैं बात करूं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, वहां पे आपको स्किल मिल जाएंगी। आप स्किल गेन करो, और मैंने काफी बच्चों के कमेंट देखे होते हैं, बोलते हैं सर एक्सपीरियंस मांगते हैं एज ए फ्रेशर, मैं एक्सपीरियंस कहां से है। तो एज ए फ्रेशर एक्सपीरियंस मिलता है इंटर्नशिप से। तो AICT, इंटर्नशाला, अप्रेंटिसशिप, ये तीनों आपकी हेल्प करेंगे, एक से एक एक साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है कंपनी आपसे कोई स्किल डिमांड नहीं करती, आपके सॉरी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करती, वो आपसे स्किल डिमांड करती है। क्योंकि फ्रेशर के पास स्किल नहीं होंगे तो वो एक्सपीरियंस ही ढूंढेगी, क्योंकि एटलीस्ट एक्सपीरियंस वाले को कुछ तो पता होगा फील्ड का। लेकिन अगर आपको पहले ही स्किल है, आपके रिज्यूम पे पूरा मेंशन है, आपको बिल्डिंग आपको ये सब चीजें आ रही है, तो उनको कुछ नहीं, एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, उनको आउटपुट की जरूरत होती है। क्योंकि आपको सैलरी दे रहे हैं, भले वो 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, लेकिन उतना आप पूरा करके तो दो। अगर आप उतना करेंगे तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर काम करके नहीं दे रहे हो, सुपरवाइजर का काम करके दे रहे हो, लेबर देख रहे हो बस, तो वो आपको क्यों हायर करेंगे सिविल इंजीनियर, वो किसी सुपरवाइजर को हायर करेंगे 10,000 से 12,000 रुपए में उन्हें सुपरवाइजर मिल जाएगा। तो ये चीज होती है, तो इस चीज पे फोकस रखो, 2023 है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन आपके कमेंट की वेट करूंगा। जो भी इस साल आप चाहते हो सीखना वो मैं पक्का आपको इस बार सिखाने वाला हूं, बस आप कमेंट करना, और जो राय आपकी हो कि इस चैनल पे ये करिए सर, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी न्यू ईयर के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर लिखना कमेंट में क्या है और क्या सोचा है, और बाकी अलविदा अभी, थैंक यू।